नमस्कार साथियों, टारगेट क्लासेस चंदो सी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने अल्फाबेटिकल सीरीज का चैप्टर स्टार्ट करा था और हमने उसके विषय में थोड़ी बेसिक नॉलेज गेन करी थी। देखो, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम करने वाले हैं एक्सेप्शन केस सीरीज, यानी कि अपवाद प्रश्नों की श्रृंखला। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन को पढ़ें। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर वन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दसवीं अक्षर बाएं से दसवें अक्षर के दाएं 18वां होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आपके बाएं से दसवें अक्षर के दाएं 18वां होगा? और चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए सी, बी है ऑप्शन एक्स, सी है ऑप्शन बी और डी है ऑप्शन बाई। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने एक चर्चा की थी कि आपको क्वेश्चन में दो पोजीशन देखने को मिलेंगी, दो पोजीशन या दो से अधिक पोजीशन आपको देखने को मिलेंगी। क्या पोजीशन होंगी और उनके क्या कॉम्बिनेशन होंगे वो मैंने आपको डिस्कस करे थे पिछली क्लास में। देखो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि उस कॉम्बिनेशन की जरूरत आज की क्लास में पड़ेगी। तो क्या थे चार कॉम्बिनेशन? या तो पोजीशन होगी सेम दोनों, या पोजीशन होंगे क्या डिफरेंट, दोनों पोजीशन होंगी सेम या होंगी डिफरेंट। ये होगी सेम, अब डिफरेंट कौन सी होंगी? ये दोनों लेफ्ट होंगे या दोनों राइट होंगे, या एक लेफ्ट एक राइट और एक लेफ्ट एक राइट। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था, दो तरीके से हमने इसको याद करा था, आपको ध्यान आ गया होगा। एक ट्रेन वाले से और दूसरा वाला कौन सा था आपको याद आ गया। ठीक है, देखो अगर दोनों पोजीशन सेम है तो इनके नंबर को क्या कर देंगे हम? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं तो इनके नंबर को जोड़ देंगे। ठीक है, इसको मैं साइड में एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ेगी। ठीक है भाई, ठीक है। देखो, आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दो पोजीशन दे रखी है, बाएं से दसवीं और दूसरी पोजीशन दे रखी है दाएं से 18वीं। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमको सबसे पहले पोजीशन जो दे रखी है वो हमको लिख देनी है, बाएं से दसवीं, यानी कि बाएं से दसवीं हमने नोट डाउन कर दी। फिर दूसरी पोजीशन दे रखी है दाएं से 18वीं, तो दाएं से 18वीं हमने ये पोजीशन में नोट डाउन कर दी। ठीक, अब मुझे ये बताओ, ये दोनों पोजीशन सेम है या डिफरेंट है? दोनों पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। जब ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो इनके नंबर को क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे। जब 10 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। और ये 28 कौन सी पोजीशन से आया है? जो पोजीशन पहले दे रखी है, यानी कि बाएं। तो बाएं से कौन सी पोजीशन आ गई जी? 28वीं। और अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं? 26। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम इसको क्या कर देंगे, 26+2 में तोड़ेंगे। जब हम इसको 26+2 में तोड़ेंगे तो ये 26 हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि जब हम सर्किल में घूमेंगे तो ए से जेड तक जब जाएंगे, जेड से ए पर आएंगे, तो जो 26 से 27 में जो अक्षर आएगा वो 27 में ए होगा और पहला भी ए होगा। तो जो एक सर्किल हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो 26 लेटर हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो 26 हमारे किसी काम के नहीं होंगे, काम का हमारा सिर्फ ये होगा दो। जो हमने दो देखा, दो कहाँ से आया? दो आया लेफ्ट हैंड से। जब लेफ्ट हैंड से दो आया, और लेफ्ट हैंड से दो कौन सा होता है? इजोटी हमने याद करा था, होता है बी। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन है सी। ठीक है भाई, देखो ये थोड़ी पिछली क्लास का मैं डेमो दिखा रहा हूँ आपको, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो वो जरूर देख लें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कहां से? क्वेश्चन नंबर टू, बाएं से दसवें अक्षर
कि दाएं 26वां होगा, दाएं कौन सा होगा 26वां। देखो ये एक सेकंड का सवाल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक पोजीशन इसमें दे रखी है दाएं से 10वां, जब दाएं से 10वां देखा, और दूसरी पोजीशन दे रखी है दाएं से 26वां, दाएं से 26वां। देखो ये जो पोजीशन है हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब हम राइट से या लेफ्ट से 26 लेटर घूमेंगे तो पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो हम जहाँ थे वहीं वापस लौट कर आ जाएंगे, तो ये हमारा किसी काम का नहीं, हमारे काम का है सिर्फ ये। और लेफ्ट से 10वां लेटर हमें पता है क्या होता है, जे। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया जे, और आपको ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, कहां से, क्वेश्चन नंबर 3, दाएं से 16वें, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं कौन सा 14वां होगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको, देखो ये भी सेफ कंडीशन है इसकी, दो पोजीशन दे रखी हैं, एक दे रखी है दाएं से 16वीं और एक पोजीशन दे रखी है कहाँ, बाएं से 14वीं। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में जो 5वां क्वेश्चन था आपको मैंने कराया था, उसकी थोड़ी सी प्रीव्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये दोनों पोजीशन क्या हैं, डिफरेंट हैं, डिफरेंट हैं, तो इनके नंबर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जो 16 और 14 को जोड़ोगे तो आएगा 30, कितना आएगा 30। ये 30 कहाँ से आया, 30 आया जो पोजीशन पहले दे रखी है, कौन सी पोजीशन पहले दे रखी है, दाएं, तो ये आया दाएं से 30। ठीक, अब जो 30 आया है, हमारी अल्फाबेट के सीरीज में लेटर होते हैं 26, तो हम इसको किस में तोड़ेंगे, 26+4 में। ठीक है भाई, ये 26 हमारे किसी काम का नहीं, काम का है ये 4, ये 4 कहाँ से आया है, जो पोजीशन 30 में आई है पहली, तो ये आया राइट से 4। अब ये राइट से 4 आया, आपको डी ऑप्शन नहीं लगाना है, क्योंकि ये पोजीशन आई है राइट से, हमको अभी इसकी पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको पोजीशन इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसी तरीके से इसको भी कॉन्सेप्ट से करना है। देखो अल्फाबेट के सीरीज में लेटर कितने होते हैं, 26। जब एक पोजीशन एक एंड से पोजीशन दे रखी होती है और हमको दूसरी एंड से पोजीशन निकालनी होती है, तो हम ये करते हैं कि जो टोटल लेटर है उसमें एक जोड़ा और बाकी अदर एंड जो भी दे रखा हो, जैसे लेफ्ट का दे रखा हो तो लेफ्ट का, राइट का दे रखा हो तो राइट का, और जो नहीं दे रखा वो हम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे करना है हमको, हमें राइट से पोजीशन दे रखी है, हमको निकालनी है लेफ्ट से, जब हमको लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है, लेटर होती है 26, उसमें एक जोड़ा 27, दूसरी पोजीशन दे रखी है 4 इसमें से घटा दिया, तो 27 में से 4 गया, ये आया 23। क्या आया 23, कहाँ से आया, लेफ्ट से, और लेफ्ट से 23 इजोरिटी हमने याद कराया क्या होता है, W, क्या होता है W। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखो अभी तक थे हमने जो कॉन्सेप्ट रिपीट करा था पिछली क्लास का, अब यहां से देखेंगे आज का कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा देर से समझ में आता, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट जो आया है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आपके बाएं से, कहां से, बाएं से 90 अक्षर, बाएं से 90 अक्षर के बाएं 12वां होगा। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, गलती हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चनों में, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चन से रूबरू कराना चाहता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए दो पोजीशन इसमें दे रखी है, एक तो बाएं से नवा हमने नोट डाउन कर दिया, दूसरी दे रखी है बाएं से बारहवां ये हमने नोट डाउन कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है, अब ये बताओ ये दोनों पोजीशन सेम है या डिफरेंट है, दोनों पोजीशन सेम है, अब ये दोनों पोजीशन सेम है, पहले पोजीशन दे रखी है 9 और बाद में पोजीशन दे रखी है 12, जब हम 9 में से 12 घटाएंगे तो आएगा कितना, -3।
कितना आएगा माइनस के तीन। और ये माइनस के तीन आया कहाँ से है, माइनस के तीन आया है जो पोजीशन पहले दे रखी है, और पहले पोजीशन कौन सी दे रखी है, बाएं लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से आया तीन। अब दिक्कत यही आई कि माइनस तीन आया है तो हम अल्फाबेटिकल सीरीज में किस हिसाब से चलें कि हमारा आंसर ठीक आ जाए। देखो गलती कहाँ होती है, हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी है ए बी सी से, कहाँ था एक्स वाई जेड तक, ठीक। जब हमने सर्कल को तोड़ा, सर्कल था हमारा ये ए से एन एम जेड तक, हमने ये सर्कल तोड़ दिया, यहाँ से खोल दिया, तो यहाँ आएगा जेड बाई, मान लो ये नहीं है, यहाँ तक एम तक ले लो, ठीक, एक्स डब्लू बी यू और आगे, ठीक है। तो ये है माइनस का तीन, माइनस का तीन यानी कि ए से हम माइनस के तीन गए, एक दो तीन, क्या आना चाहिए एक्स, एक्स आना चाहिए माइनस के तीन करने पर, लेकिन माइनस के तीन करने पर जो एक्स आएगा वो हमारा आंसर नहीं है। क्या आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट को समझो दोबारा से, मैं सीरीज को दोबारा से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मिटा कर। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और आगे भी होगा, ठीक है, पीछे से ले लो टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से नमा जाना है, पहले हम ए से स्टार्ट करा, हम बाएं से गए नमा, बाएं से नमा कहाँ पहुँचोगे ए आई पर, आई पर पहुँचा, फिर आगे कह रहा है कि अब जाना है हमें बाएं से बारमा, जब हम इस आई से बारह वापस आएंगे तो कौन से लेटर पर पहुँचेंगे, देखो गिनो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, हम पहुँचेंगे डब्लू पर, और डब्लू ही हमारा क्या है आंसर, ना कि एक्स, ठीक है। देखो इसीलिए इनको एक्सेप्शन केस की कैटेगरी में डाला है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए था एक्स और आया है डब्लू, ठीक है। तो इनको हम एग्जाम में जल्दी कैसे करें, क्योंकि अगर सीरीज लिखने बैठ गए तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा वेस्ट, तो देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे करना है एग्जाम में, यहाँ पर लिख लो और करके, ये आया लेफ्ट से माइनस का तीन आया, ठीक। तो ये माइनस का तीन हमें बता रहा है कि 26 से ये कितना कम है, जिस हिसाब से पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 28 आया था लेफ्ट से, तो हमने ये देखा था कि ये 28 26 से कितना अधिक है, 26 प्लस 2 यानी कि 2 अधिक था, तो 26 हमारा किसी काम का नहीं, 2 हमारे काम का, तो हमने आंसर लगा दिया था बी, यही करा था ना, 28 को तोड़ा था 26 प्लस 2 में, 26 किसी काम का नहीं, 2 हमारे काम का था, हमने आंसर लगा दिया था बी। तो देखो ये जो माइनस का 3 आया है ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो माइनस है यानी कि 26 से ये है कम, 26 से ये है कम, और ये कम कितना है, कम है 3, कम कितना है 3, जब ये 26 से 3 कम है तो ये कितना आएगा 23, और लेफ्ट से 23 कितना होता है W, W, यही आंसर आ गया। देखो करना क्या नहीं है वो भी मैं आपको बता दूँ, गलती कहाँ होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 26 से हमें कम देखना है, जब हमने 26 से कम देखा तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसे एग्जे उतार देते हैं, जब हमने इसको एग्जे उतारा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 26 प्लस 3, और 26 प्लस 3 जब करोगे 26 किसी काम का नहीं, 3 आंसर लगा दोगे सी, और सी जो है वो गलत हो जाएगा ऑप्शन, हमें आंसर लगाना है डब्लू। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा देखो, तो क्वेश्चन कह रहा था कि बाएं से नमा, फिर उसके भी बाएं जाना है बारवा, दो पोजिशन हमें दे रखी थी लेफ्ट से 9 और दूसरी थी लेफ्ट से 12, जब हमने देखा 9 में से 12 घटाया तो आंसर हमारा निकल के आया था माइनस के 3, जब माइनस के 3 निकल के आया हमने सीरीज को खोला और देखा कि हमारा आंसर आना चाहिए x, लेकिन x नहीं आया, आया कितना w, क्यों आया, जब हमने इसको एक्सप्लेन करा पूरा खोल के करा, ठीक। फिर हमने देखा कि हमें जल्दी कैसे करना है, जल्दी करने की मैंने आपको ट्रिक बताई कि ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि यह है 26 से कम, और 26 से कम कितना है, 3 कम है 26 से, जो 26 से 3 कम है, तो 26 से 3 घटाया आया 23, 23 आया तो 23 था W, और हमारा आंसर हो गया W। आपको ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको लेकर आया हूँ आज, एंड तक रोकोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आपके बाएं से 12वें अक्षर के दाएं दूसरे के बाएं 16वां होगा? ठीक है भाई, इसमें पोजीशन दे रखी है 3। क्या क्या पोजीशन दे रखी है? एक दे रखी है बाएं से 12, एक दे रखी है दाएं से 2 और एक दे रखी है बाएं से 16। देखो 3 पोजीशन दे रखी है, तीनों को नोट डाउन कर दो। बाएं से 12, दूसरी दे रखी है दाएं से 2 और तीसरी दे रखी है बाएं से 16। ठीक है, इनको नोट करने की भी 2 तरीके होते हैं। जैसे मैंने इन तीनों को अलग अलग नोट कर दिया, आप चाहें तो इस टाइप से नोट कर सकते हैं। पहले पोजीशन क्या दे रखी है? बाएं, तो बाएं हमने आगे लिख दिया। ठीक, अगली पोजीशन क्या दे रखी है? दाएं। अब ये बताओ, ये बाएं और दाएं सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट है तो इनके नंबर क्या हो जाएंगे? जोड़ जाएंगे। हमने जोड़ दिया 12 + 2। फिर देखा कि बाएं से ये तो हो गया, इसके बाद पोजीशन थी ये। अब ये बताओ, ये बाएं और ये बाएं सेम है या डिफरेंट है? सेम है, तो इनके नंबर क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो ये 16 घट गया। तो देखो 12 + 2 = 14 -16, तो ये आया -2। यहाँ से ये निकाला, फिर हमको यहाँ से अलग अलग निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से कैसे निकालना पड़ेगा, पहले हमने ये दोनों पोजीशन ली, या हमने ये दोनों पोजीशन ली तो ये 2 पोजीशन थी डिफरेंट थी, तो इनको नंबर जोड़ दिया हमने 12 और 2 = 14। और ये 14 कहाँ से आया? जो पोजीशन पहले दे रखी है, लेफ्ट से 14। अब दूसरी पोजीशन अभी हमने ये काउंट नहीं करी है, यहाँ से हम आ गए यहाँ पर। अब ये बताओ, ये दोनों पोजीशन सेम है या डिफरेंट है? सेम है, तो इनके नंबर जो घट जाएंगे, 14 - 16 गए -2, और ये कहाँ से आएगा? लेफ्ट से, क्योंकि ये भी लेफ्ट से -2 आ गया, ये भी लेफ्ट से -2 आ गया। और अभी हमने देखा था कि जब भी माइनस से आएगा, जब भी माइनस की डिजिट आएगी तो हमको क्या करना है? जब माइनस का आएगा तो हमको ये देखना है कि ये 26 से कितना कम है। माइनस क्या बता रहा है? कि यह कम, किससे कम है? 26 से। तो हमने देखा 26 से कम है कितना? 2। 26 से कम है कितना? 2। तो 26 से 2 घटाया, आया 24, और 24 क्या होता है? एक्स। ये जोड़ी अच्छे से आपने याद कर ली होगी। ऑप्शन नंबर है 5 में क्वेश्चन का डी। देखो अगला क्वेश्चन, अब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आगे अभी लेवल और बड़ी बढ़ेगा, आपको ध्यान से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आपके बाएं से, कहां से? बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 3 के बाएं 26वां होगा? कौन सा होगा? बाएं 26वां। देखो ध्यान से, इसमें पोजीशन दे रही है कितनी? 3। एक बाएं से 18, एक दाएं से 3 और एक बाएं से 26। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप 26 आए, जब भी 26 हमको घूमना हो सर्किल में, तो हम वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। जैसे इसमें आया बाएं से 26, तो ये वाले जो पोर्शन है हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी भी एक पॉइंट से 26 लेटर या दाएं जाएं या 26 लेटर बाएं आए, तो हम जहाँ थे वहीं वापस आ जाएंगे, तो ये हमारे किसी काम का नहीं। तो इसको छोड़ के बाकी की जो पोजीशन दे रखी है वो हमको यहाँ नोट डाउन करनी है। पहली पोजीशन दे रखी है बाएं से 18 और दूसरी पोजीशन दे रखी है दाएं से 3। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, 18 और 3 कितने हो गए? 21। और ये 21 कहाँ से? पहली पोजीशन दे रखी है, और 21 ईओटी में होता है यू। ऑप्शन नंबर आ गया बी। तो देखो ये था एक्सेप्शन केस, लेकिन जैसे ही हमने इस पोर्शन को हटाया 26 का, ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। तो आपको यही ट्रिक अपनानी है कि हमको क्वेश्चन छोटा करना है, छोटा करके सॉल्व करना है बहुत जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 7, देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन और भी ज्यादा अच्छा है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आपके दाएं से, कहां से, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 70वां होगा। देखो ये एक्सेप्शन केस में भी एक्सेप्शन केस है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें अभी तक हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे इसमें अप्लाई हो जाएंगे, तो इसको और भी ध्यान से देखना है। देखो दो पोजीशन दे रखी हैं, पहली पोजीशन दे रखी है दाएं से 13, हमने दाएं से 13 नोट कर दिया। दूसरी पोजीशन दे रखी है दाएं से 17, तो दाएं से 17 भी हमने नोट कर दिया। अब मुझे ये बताओ ये दोनों पोजीशन सेम है या दोनों पोजीशन डिफरेंट है। दोनों पोजीशन सेम है, जब ये दोनों पोजीशन सेम है तो इनके नंबर को क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। पहले कौन सी पोजीशन दे रखी है 13, जब 13 में से 17 जाएंगे तो आएगी -4, ये -4 हमने यहाँ नोट कर दिया। ये -4 कहाँ से आया है, जो पोजीशन पहले दे रखी है, पहला दे रखी है -4, ठीक है। अब देखो अभी तक था कि लेफ्ट से आ रहा था जो माइनस आ रहा था, अब आया है माइनस आया है राइट से। तो देखो इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, एक है जो लंबा मेथड है और एक है शॉर्ट मेथड। तो पहले जो लंबा मेथड है वो देख लो, उसके बाद शॉर्ट मेथड जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो माइनस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये है कम, किससे कम, 26 से कम, और 26 से कम कितना, जो ये डिजिट दे रखी है 4, ये अप्लाई कर दो। 26 से कम, कम कितना 4, 26 से कम और कम कितना 4, तो 26 में से 4 के आया 22। ये 22 अभी कहाँ से आया है, यह आया राइट से, राइट से 4, राइट से 22 आया है। तो देखो अभी फिर से हमें इसमें पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिजिट हमको याद होती है अल्फाबेट्स की वो याद होती है लेफ्ट हैंड से। जब हम इसको लेफ्ट से कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से घटेगा, तो 27 में से घटेगा 22, क्या आएगा 5, और 5 कौन सा होता है, ई, 5 कौन सा होता है, ई। अब देखो ये तो था मेथड लंबा वाला, अब शॉर्ट मेथड करो। देखो हमने अभी यहाँ पे करा था कि 26 से कम पहले निकाला था, फिर उसको इंटरचेंज करा था पोजीशन इंटरचेंज। यहाँ क्या करना है हमको, डायरेक्ट पोजीशन इंटरचेंज करनी है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमको हटा देना है, डायरेक्ट पोजीशन इंटरचेंज करनी है। पोजीशन इंटरचेंज कैसे करनी है, पोजीशन इंटरचेंज करोगे, ये राइट से पोजीशन दे रखी है, हमको निकालनी है लेफ्ट से। जब हम लेफ्ट से पोजीशन निकालेंगे किसमें घटाएंगे, 27 में से, 27 में से घटाएंगे, घटाएंगे क्या, ये जो पोजीशन पोजीशन दे रखी है -4, जब -4 घटाओगे तो ये -- क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 27 + 4। अब देखो या तो इन्हें जोड़ के फिर 26 में तोड़ो, या इस 27 को 26 + 1 कर दो, +4, ये हमारा किसी काम का नहीं, 4 + 1 ये काम का है, ये कितना आया 5, और लेफ्ट से 5 क्या होता है, लेफ्ट से 5 होता है ई, ठीक है, और ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है भाई। देखो दोबारा देख लो इसको, क्वेश्चन दे रखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 17वें अक्षर हमको निकालना था, 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, दोनों पोजीशन हमने नोट डाउन करी, फिर हमने देखा दोनों पोजीशन सेम है, उनके नंबर को हमने घटा दिया। जब नंबर को हमने घटाया तो क्या देखा, यह आया राइट से -4। तो सबसे पहले हमने पहला मेथड देखा, हमने देखा ये 26 से कम है और कम कितना है 4, 26 में से 4 गए तो आया 22, फिर हमने इसकी पोजीशन इंटरचेंज करी तो आया 5। ये जो मेथड था हमने ये दो जो स्टेप थे वो हमने इसमें हटा दिए, डायरेक्ट हमने यहाँ पे करी पोजीशन इंटरचेंज। जब पोजीशन इंटरचेंज करी तो पोजीशन इंटरचेंज हम 27 में से घटाते हैं जो नंबर दे रखा हो, हमने -4 घटाया, 27 + 4 आया, इस 27 को भी हमने 26 + 1 में तोड़ा, ये 4 ऐसा का ऐसी लिख दिया, 26 हमारा किसी काम का नहीं, 4 + 1 5 आया, और लेफ्ट से 5 होता है ई, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से
सातवें अक्षर के दाएं के दाएं पंद्रहवा होगा। देखो अभी तो मैंने सारे स्टेप लिखे हैं, अब स्टेप को क्या करेंगे, गोल डायरेक्ट आंसर निकालना है। देखो पहली पोजीशन दे रखी है दाएं से सात और दूसरी पोजीशन दे रखी है दाएं से पंद्रह। पहली पोजीशन सात और दूसरी पोजीशन दाएं हैं, ये दोनों पोजीशन सेम है, डिफरेंट है, दोनों पोजीशन सेम है, तो इनके नंबर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। सात में से पंद्रह गए तो कितना आया, कितना आया माइनस के आठ। ये माइनस के आठ कहाँ से आया, राइट से। और मैंने अभी अभी आपको इसके दो मेथड बताए थे, पहला मेथड कि पहले 26 में से घटाओ फिर पोजीशन इंटरचेंज करो, दूसरा मेथड कि सीधे सीधे क्या करो पोजीशन इंटरचेंज। मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, पोजीशन इंटरचेंज। जब इसको पोजीशन इंटरचेंज करेंगे किस में से घटाएंगे, 27 में से, और क्या घटाएंगे माइनस के आठ। ठीक है, इस 27 को भी डायरेक्ट 26 प्लस 1 में तोड़ा, जब 26 प्लस 1 में तोड़ा ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस के आठ। 26 हमारा किसी काम का नहीं, 8 प्लस 1 9, 9 कहाँ से आया लेफ्ट से, और लेफ्ट से 9 क्या होता है आई। ठीक है भाई, समझ में आ गया, या तो पूरे तरीके से कर लो। मैंने आपको अब तक काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, 7 क्वेश्चन इसमें 5 पहले, तो आपको सारे मेथड आप पता हो गए होंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा बहुत ही स्पीड से। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 20वां होगा, के बाएं 20वां होगा। देखो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को भी। पहली पोजीशन दे रखी है बाएं से पांच, बाएं से पांच। दूसरी पोजीशन दे रखी है बाएं से 20। दोनों पोजीशन सेम है, डिफरेंट है, सेम है, तो हम घटा देंगे। जब पांच में से 20 जाएगा क्या आएगा माइनस के 15, क्या आएगा माइनस के 15। ये कहाँ से आया है, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से आया है, तो हम क्या करेंगे, ये 26 से कम, और कम कितना है 15, 26 से कम है 15। जब 26 से 15 जाएगा कितना आएगा 12, और लेफ्ट से 12 क्या होता है एल। ठीक है, लेफ्ट से 12 होता है एल, 26 से 15 जाएंगे 11, और 11 होता है के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ गया डी। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और इसकी जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के भी क्वेश्चन है वो भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो उसको आप हमारा जो चैनल है टारगेट क्लास है चंदोसी का, उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसको। देखो अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 13वें अक्षर, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 20 के बाएं दूसरा होगा, क्या होगा बाएं दूसरा होगा। तीन पोजीशन दे रखी है आपको, आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो पहली पोजीशन दे रखी है दाएं, जब पहली पोजीशन दाएं दे रखी है और अगली पोजीशन क्या दे रखी है दाएं, ये दोनों पोजीशन सेम है या डिफरेंट है, सेम है, तो इनके नंबर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 13 में से क्या जाएगा 20, ये नई डेट आएगी, 13 में से 20 घटे। फिर अगला नंबर क्या है बाएं, जब ये बाएं हैं और ये दाएं हैं तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब ये जुड़ जाएंगे तो 2 जुड़ जाएगा। अब देखो ये है माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस प्लस जुड़ जाएगा 13 तो 15 माइनस के 20, और जब 15 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा माइनस के 5। ये माइनस के 5 कहाँ से आया है, राइट से आया है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया इसके यहाँ दो मेथड करने के, या तो पहले 26 से घटा लो फिर पोजीशन इंटरचेंज करो, या सीधे सीधे पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहाँ से हमने सीधे सीधे पोजीशन इंटरचेंज करा, पोजीशन इंटरचेंज कहाँ से होती है 27 में से घटा के, जब हमने इसको 27 में से घटाया तो ये आ जाएगा माइनस के 5। हमने इसको अभी थोड़ा 26 प्लस 1 में, ये 26 प्लस 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के प्लस के 5। ये 26 हमारे किसी काम का नहीं, 5 प्लस 1 हो गया 6,
और छः कहाँ से? लेफ्ट से। और लेफ्ट से छः क्या होता है? ई और एफ। ई पाँच और एफ छः। देखो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, दोबारा बता रहा हूँ आपको, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे चैनल को, ठीक है? और अपने दोस्तों को शेयर भी करना, ठीक है? देखो आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे की जो टाइप है, जैसे फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, ऑड सीरीज, इवन सीरीज, मिस सीरीज, काफ़ी अभी टाइप इसके बचे हैं। अभी दो ही क्लास हुई हैं, अभी कम से कम 2-3 क्लास और आनी बाकी है, तो आप उसका इंतजार करेंगे, जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है मित्रों? धन्यवाद। जय हिंद।